जय गुरुदेव। भावातीत ध्यान क्या है आज इस बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। भावातीत ध्यान क्या है और इसका अर्थ क्या है, इस बारे में आज आपसे हम बात करेंगे। भावातीत ध्यान का अर्थ है भावों के परे चले जाना, विचारों के स्रोत के भंडार में प्रवेश करना ही भावातीत ध्यान। जब मन स्थिर हो जाता है और अभ्यास करता विचारों के परे चले जाने में सक्षम हो जाता है और परम सुख की एक मूक अवस्था में प्रवेश करता है। भावातीत ध्यान की साधना की नींव भारतवर्ष में सनातन धर्म में पाई जाती है, जहाँ महर्षि महेश योगी जी ने अपने गुरु शंकराचार्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी से भावातीत ध्यान का ज्ञान प्राप्त कर इस सारे विश्व में इस भावातीत ध्यान का प्रचार प्रसार किया। महर्षि जी ने 1950 के दशक में इसका अभ्यास करना आरंभ किया था और तब से ये सबसे अधिक व्यापक सोच और अभ्यास वाले ध्यान अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों में निष्कर्ष निकाला गया कि भावातीत ध्यान का बीमारी के ऊपर कोई भी इलाज नहीं है। कई लोग तो जो भावातीत ध्यान करते हैं वह कहते हैं कि उनके विश्राम तथा आत्मसमझ में और गैर धार्मिक दोनों कहा गया है, परंतु भावातीत ध्यान के अभ्यास और धार्मिक अनुष्ठानों के अभ्यासों के बीच समानता से इनकार नहीं किया जा सकता। भावातीत ध्यान 15 से 20 मिनट आँख बंद करके बैठना और एक शब्द के द्वारा मन के विचारों को साफ तथा निर्मल करना होता है। इसके अतिरिक्त शरीर पर मन लगाना अपने मन को ईश्वर की आत्मा के ऊपर ध्यान न लगाते हैं। शरीर के ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा मन को केंद्रित करने के पूर्व चेतावनी का अर्थ यह नहीं है कि शरीर बहुत बुरा है या अपने बारे में किसी भी विचार की सोच स्वचालित रूप से बुराई है। स्वयं के मन को खोज करना ही हमारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि अगले वीडियो की मोटिवेशन आपको जल्द प्राप्त हो सके।